तो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय लव ब्लॉग। फाइनली गाइस अभी के दिया था इंट्रो करते हैं। तो आज का जो ब्लॉग है ना हमारा टूटी सफाई के ऊपर बनने वाला है। मेरी टूटी भी सफाई करनी है और हमारी जो छत है ना देख सकते हो लास्ट टाइम मैंने पिंजरा शिंजरा बनाया था ना उसका कबाड़ ये पड़ा हुआ, ये कबाड़ की भी सफाई करनी है। और जो हमारे घर का बैक साइड है ना शायद डक बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं आप लोग के जमाने में मुझे नहीं पता क्या बोलते हैं लेकिन हमारे जमाने में डक बोलते हैं उसको, तो वहाँ पर की भी सफाई करनी है। वहाँ पर कबूतरों ने ना काफ़ी ज़्यादा बच्चे बच्चे लेके मार भी दिए हैं और ज़्यादा ही गंदगी हो गई वहाँ से, इतना कीड़े निकल के आ रहे हैं। तो आज इंशाल्लाह वहाँ की हमने सफाई करनी है। तो सबसे पहले मेरे इतने सारे परिंदों को दाना देते हैं और आज हवा भी बहुत ज़्यादा तेज है ना, तो देख रहे हो ऐसी हालत हुई पड़ी है, तो जल्दी से सबको दाना पानी करना। A few inches later, ताला देने के लिए ताला तुम्हारे भाई ने खोल लिया है, सही है ना? अबे जल्दी लाना दे दे, खुद तो नाश्ता करके आया है और हमें तो बुखार रखा हुआ है, जल्दी से दे लाना। A few moments later. तो फाइनली गाइस नीचे हम लोग उतर चुके हैं, सही ना? वहाँ उमर हुआ हमारी छत है, वहाँ से हम लोग नीचे तो आ चुके हैं, सही ना? बिहार की सफाई करनी है, देख सकते हो यहाँ पे कितनी ज़्यादा गंदगी है, कोई कबूतर का बच्चा मरा पड़ा हुआ है, सही ना? बिल्कुल ही ख़त्म हुआ मरा हुआ है, तो इस जगह की सारी सफाई कंप्लीट करनी है, सही ना? एक हमारा कबूतर का बच्चा, ये रहा हमारा नहीं जंगली कबूतर का बच्चा है। फिलहाल यहाँ सब की जो देख रहे हो ना इन सब जगह की ना सफाई करते हैं और उसके बाद मुझे जाना है सर सदर भाई के साथ, तो क्या कहते हैं जल्दी से काम होगा। मजा नहीं आ रहा है, ऑलमोस्ट गाइस सारा काम हमारा कंप्लीट हो चुका है। जो हमारे डक था उसकी भी सफाई कर दी और जो हमारा विलेज होता ना उसकी भी सफाई वफाई करती, बस उस साइड में ज़्यादा गंदगी हो रही तो वहाँ पर मैंने चूना वूना डाल दिया। फिलहाल अभी जाऊँगा खुद की प्यार चार हुआ नहा धो के, सही ना? और फिलहाल आप लोग को थोड़ा बहुत इसके नहीं दिखाया क्योंकि जो वो स्टैंड होता है ना मोबाइल का वो मैं लाना भूल गया था, हर ब्लॉग के तरह इस ब्लॉग में भूल गया। जब तो भी आ जाती है, फिलहाल जल्दी से जाते हैं नीचे और नहा धो के तैयार होते हैं। A few moments later. शाम शाम निपटाने के बाद हम लोग निकले सदर कोऑपरेटिव मार्केट में, कमिश्नर वार वगैरह मिलते हैं। वहाँ जाके हमने एक दुकान पे विजिट करा, वहाँ के हमें कपड़े बिल्कुल भी समझ नहीं आए। सेकंड शॉप पे जाने के लिए निकले, चल चल के भाई मैं बता रहा हूँ पब्लिक हालत बुरी हो गई थी हमारी। तो फिर हम एक शॉप पर पहुँचे, वहाँ जाके हमने सूट वूट पसंद करे, वहाँ पर उनसे बात बात करी, लेकिन मैंने वहाँ व्लॉग ही नहीं बनाया। और मैं बाहर जाके व्लॉग क्यों नहीं बनाता ये आने वाली वीडियो में आपको सब पता चल जाएगा। मैं मिलूँगा अपने चैनल नेक्स्ट ब्लॉग में, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।